नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके दिन भर के हाल की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन आज एक ऐसे रत्न की बात करेंगे जिसको लोग कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे पहन लेता है और लोगों को लगता है कि ये नुकसान नहीं करता। बात करेंगे आज मोती की, और मोती किस कदर आपको नुकसान और फायदा पहुंचा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। आपकी राशियों का हाल जानेंगे और देंगे आपके सवालों के जवाब भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे की बात, सबसे पहले आज के पंचांग की। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और कुछ समय के उपरांत कन्या में संचरण करेंगे, कन्या में चले जाएंगे। राहु काल का जो समय है वो है सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 तक। और आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर पूर्व दिशा में यात्रा करनी है तो जरा सी मिश्री का सेवन करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। हम जिस रत्न की बात करने वाले हैं आज, उसका नाम है मोती, और मोती को कोई भी पहन लेता है, लेकिन ऐसा है नहीं और ऐसा भी नहीं है कि मोती नुकसान नहीं करती है। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर मोती है क्या और इस रत्न की खूबियां क्या है। देखिए, मोती टेक्निकली तकनीकी रूप से रत्न नहीं है, एक जैविक संरचना है, एक प्राणी के शरीर से बनने वाला निर्माण है, क्रिएशन है। मुख्य रूप से मोती को चंद्रमा का रत्न मानते हैं। कभी कभी इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी करते हैं, जिसको मुक्ता पिष्टी कहते हैं, मुक्ता भस्म भी कहते हैं, तो मेडिसिन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जो प्रॉपर्टी चंद्रमा की होती है, शांत होना, सुंदर होना, शीतल होना, वही गुण मोती के अंदर भी होते हैं। शांत रत्न है, सुंदर रत्न है, शीतल रत्न है। इसका प्रभाव जो है ना, वो सीधा पड़ता है आपके मन के ऊपर और शरीर के रसायनों के ऊपर, लेकिन मोती का प्रभाव बहुत धीमा होता है, कभी भी तेज नहीं होता। ये धीरे धीरे और बहुत बहुत बारीकी से बहुत सूक्ष्म असर डालता है, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं करता। जबकि मोती जब नुकसान कर देता है धीरे धीरे काफी लंबे समय में, तब आप एकदम से बुरी स्थितियों के शिकार हो जाते हैं। मोती के लाभ क्या हैं, मोती के नुकसान क्या हैं, और मोती पहनने का विधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आज दिखाई दे रही है, अचानक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। संपत्ति संबंधी मुश्किलें हालांकि हल होती हुई भी दिख रही हैं। क्या सलाह है? देखिए, एक तो जल्दबाजी मत करिए, आपके जल्दबाजी की वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं, चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। वृष राशि, तमाम चीजें बदल रही हैं और इस दौर में आपके करियर में बदलाव के संकेत भी दिख रहे हैं, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं प्रेशर भी बहुत है, मानसिक रूप से समस्या भी बहुत है, जिस वजह से स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा। क्या सलाह है? देखिए, कल्पना में समस्या पैदा मत करिए, कोई ऐसी बड़ी भारी समस्या नहीं है जिसको लेके चिंता की जाए। मिथुन राशि, धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिल रहा है और किसी प्रिय व्यक्ति से, किसी प्रिय मित्र से आज भेंट होगी तो चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। क्या सलाह है? देखिए, खुश रहिए, जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहा है, शांति बनाए रखें, आनंद में रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोती नुकसान नहीं करता, मोती खूब नुकसान करता है, लेकिन जरा धीमे धीमे नुकसान करता है तो पता नहीं चलता। लेकिन अगर मोती पहनने से लाभ हो तो क्या क्या लाभ होंगे, आइए आपको बताते हैं। जब आप मोती पहने और मोती से आपको फायदा हो तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपके तनाव का लेवल घट जाएगा, आपको नींद अच्छी आएगी और आपका डर दूर हो जाएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब मोती फायदा करेगी। हार्मोन्स भी आपके बैलेंस हो जाएंगे, खासतौर से जो महिलाओं का हार्मोनल सिक्रीशन है वो चंद्रमा से संबंध रखता है, इसलिए मोती अगर फायदा करे तो उसमें भी लाभ जरूर होता है। और मोती कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत अच्छा कर देता है, अगर मोती फायदा पहुंचाता है तो। लेकिन अगर मोती नुकसान कर जाए तो क्या क्या नुकसान करता है, कैसे जानेंगे कि मोती पहनने के बाद हमें दिक्कत हो रही है, बात करेंगे उस पर। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, तमाम विवाह संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और करियर में बदलाव की स्थितियां बनी हुई हैं, करियर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या सलाह है? देखिए, चीजें बदल रही हैं, बदलने दीजिए, लेकिन किसी भी तरह का निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, पैनिक ना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
सिंह राशि, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आज जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं और जरा सी लापरवाही से पैसे डूब सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है। क्या सलाह है? देखिए, अपने लोगों की सहायता लीजिए, उसमें हिचकिचाइए मत, और जो चीजें हाथ से निकल जाएं उस पर क्रोध करके चीखिए के चिल्ला के चीजों को खराब ना करें। कन्या राशि, आकस्मिक धन की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे, बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। लगता है या तो वाहन खरीदेंगे या तो कोई कीमती चीज आज खरीदते हुए आप दिखाई देंगे। क्या सलाह है? देखिए, परिवार को समय दीजिए, परिवार को समय देके मन को बेहतर कर पाएंगे और खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत दिनों के बाद बेहतर रास्ते पे चल रहा है। मोती अगर नुकसान करे तो कैसे समझेंगे कि मोती नुकसान कर रहा है, नुकसान करने के लक्षण क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। उमाकांत ने हमें मेल लिखा है, बेंगलोर से लिखते हैं। 21 दिसंबर 1970 का जन्म है, सुबह के 8:40 का जन्म है, जन्म का स्थान है बेंगलोर। उमाकांत जी लिख रहे हैं कि व्यवसाय भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं, लेकिन व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलता। व्यवसाय को बेहतर करने के रास्ते क्या हैं और क्या भविष्य में व्यवसाय ही करना चाहिए या व्यवसाय बंद करके नौकरी की तरफ चलना ही बेहतर होगा? उमाकांत जी, आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में बुध की प्रधानता है और बुध का मतलब होता है डुअल कैरेक्टर, जिसका स्वभाव ही दोहरा हो, बुध है वो मरकरी है। तो बुध की प्रधानता होने की वजह से टू सोर्सेज ऑफ इनकम तो बनते ही हैं कुंडली में, और वो कॉम्बिनेशंस, वो योग बहुत साफ तौर से हम देख पा रहे हैं। अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि व्यवसाय को आप जारी रखें, नौकरी भी करते रहें, लेकिन भविष्य में तकरीबन 3 वर्षों के बाद, यानी 2018-19 से हम कहेंगे कि आप केवल और केवल व्यवसाय करिएगा, 18-19 के बाद नौकरी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कुंडली मूलतः आपको बिजनेस की तरफ ले चल रही है और बिजनेस की दशाएं लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। एक पन्ना नाम का रत्न, 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना लाभकारी होगा। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोई भी चीजों के परिणाम तुरंत कभी नहीं आते, आपके परिश्रम के परिणाम पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन ये समय धैर्य बनाए रखने का है। धैर्य बनाए रखिए, कारोबार बेहतर होता चला जाएगा। अब ये जानते हैं कि मोती अगर नुकसान करे तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। लोग नीलम के नाम से डरते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, मानसिक दशा को धीरे धीरे खोखला कर देता है और मेंटली बुरी तरह खराब हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति गंभीर अवसाद का, डिप्रेशन का और तनाव का शिकार हो जाता है। मोती नुकसान करेगा तो आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आपकी चिंताएं बढ़ जाएंगी और हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि मोती शरीर के केमिकल एलिमेंट को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देता है। किन लोगों को मोती पहननी चाहिए और किन को कभी नहीं पहननी चाहिए, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आपके कार्यों की शाबाशी मिलने वाली है, आप नई नई योजनाएं बना रहे हैं, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के लिए भी तैयार हो जाइए। क्या सलाह है? देखिए, चीजें बहुत सही चल रही हैं, एक साथ बहुत सारी चीजों में हाथ डाल के चीजों को खराब ना करें। वृश्चिक राशि, संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल आ रही है और अपने लोगों के व्यवहार से तकलीफ भी हो रही है आपको। ऐसा लग रहा है कि शाम तक चीजें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शाम के बाद मन आपका शांत हो जाएगा। क्या सलाह है? देखिए, हर बात में इमोशनल मत होइए, क्योंकि आप हर आदमी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, बेहतर है कि आप खुद बदल जाएं, खुद स्ट्रांग। धनु राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, चोट की चपेट में आप आ सकते हैं और बेवजह घर का माहौल खराब हो सकता है, शांत रहेंगे। क्या सलाह है? घर से निकलने के पहले मिश्री खा के निकलिएगा और शांति बनाए रखिएगा तो दिन आपका बेहतर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि किनको मोती धारण करनी चाहिए और किनको मोती बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। आम तौर पर कुंडली के लग्न के आधार पर, लग्न राशि नहीं, लग्न और तत्व के आधार पर ही मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, फिर मैं कहूंगा लग्न की बात कर रहा हूं, मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन
वृष लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक होता है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहन सकते हैं। जो लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, उन्हें मोती नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि जब आप मोती पहनते हैं तो शरीर में वो पक्ष एक्टिव हो जाता है जहां से मन रेगुलेट होता है, जहां से भावनाएं बहती हैं। तो ऐसी दशा में अगर आप बड़े भावुक हैं और मोती पहन लेंगे तो आपको बात बात में रोना आएगा, बात बात में आप दुखी हो जाएंगे, आपकी सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड बढ़ जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, संपत्ति संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, सेहत की स्थितियां लगातार बेहतर दिख रही हैं, आपके करियर में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव लाभकारी है। क्या सलाह है? बहुत अच्छा दिन है, भगवान का आभार व्यक्त करिए और खुश रहिए, मुश्किलें कम हो रही हैं। कुंभ राशि, धन का खर्च लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी व्यस्तता भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस दौर में जीवन के आपके साथ आपके परिवार का सहयोग बना हुआ है। क्या सलाह है? देखिए, जीवनचर्या को ठीक रखिए, रूटीन को जितना बेहतर रखेंगे जिंदगी उतनी ही बेहतर चलती हुई दिखाई देगी। मीन राशि, संतान के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताएं दिख रही हैं और संतान के चक्कर को लेके ही घर में झगड़े की नौबत भी आ सकती है, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती, सरदर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं। क्या सलाह है? देखिए, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, इस बात को जितना जल्दी समझेंगे उतना ही अच्छा होगा और अपने डिसीजंस को दूसरों के ऊपर थोपना बंद कर दें, जीवन ठीक हो जाएगा। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की आपकी राशियों के हाल की, समझा कि मोती का रहस्य क्या है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है 16 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आपके आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं थोड़ी कम होंगी, सेहत आपकी बेहतर रहेगी। आपके विवाह के मामले, आपके परिवार के मामले, जो वर्ष आज से शुरू हो रहा है उसमें काफी बेहतर रहेंगे, लेकिन इस वर्ष में धन और संपत्ति को लेकर आपको विवादों से बचना होगा और इस वर्ष स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावनाएं भी हैं जिसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। सलाह यह है कि पूरे वर्ष शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए और घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए ताकि शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।